इतना आनंद आने चु मैं तो घेरा याद आई है ए बेला ये देखिए दोस्तों, ये है सतपुली मार्केट की गली। तो अभी दोस्तों यहाँ पर थोड़ा वेट कर रहे हैं, अभी हमने यहाँ पे मोमोज और चाय के लिए ऑर्डर दिया है। तो ये जगह काफ़ी अच्छी लग रही है सतपुली में, बैक कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मतलब नज़ारा यहाँ का जो एक व्यू है। और ये नीचे कुछ झरना इस टाइप में। अजी कैसा है? वाह आते ही है ना, वाह गाड़ी से छुटकारा मिला, वाह देखो कितना प्यारा है ना, कितना अच्छा है। वैदिक बहुत क्या है, पता नहीं क्या बोल रहा, क्या देख लिया भाई ऐसा इधर खड़े हो, पीछे की साइड आए। नमस्कार, ये वही रोड ची सावत 2008 2008 भादो के मास सतपुली मोटर वैज्ञानिक खास ये रोड चुका, ये बात तो कम से कम 60 साल होगी, 60 से 65 साल की बात है। यही है वो जगह, ये ऐतिहासिक जगह ही है सतपुली का। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ऊपर, तो ये सारा जो नीचे कोई काम चलता है वहाँ पे, तो ये सारा सोलर पैनल से चलता है। देख रहे होंगे जहाँ पर ये सारे पैनल लगे हुए हैं ऊपर, पूरे पहाड़ तक है, पूरे पहाड़ तक पैनल ही है इसमें, नीचे तक है ना दोनों जगह। हम जस्ट अपने गांव पहुंचने वाले हैं और अभी बस बाहर खड़े हैं, उस पल्ली पहाड़ी में ही हमारा गांव। तो बुआ बता रही है कि बुआ क्या क्या करने आते थे आप यहाँ पे? अरे जब हमारे शादी हुई थे ना, हाँ, तो हम यख लकड़ू खड़े हैं। अच्छा यहाँ पे? हाँ यहाँ नीचे, वहाँ जाते थे वहाँ नीचे। अच्छा अच्छा नीचे आते थे। अच्छा अच्छा। और अपने गांव लेके सुबह आते थे 6 बजे 7 बजे निकल। अच्छा रोटी रखी रही सब्जी कमर दिन सबसे बड़ी बात गाँव चौक वो फुटी और हम भी नहीं जानते गाँव में। फाइनली दोस्तों काफी रात हो चुकी है और ये हमने एंट्री कर ली है। तो ये पीछे जो है, पीछे जो है वो रोड है और ये क्या सिमर खाल है? सिमार खाल। अच्छा सिमार खाल है। तो यहाँ से ना, यहाँ से हमारी जो है ना एंट्री हो चुकी है, यानी कि मतलब गांव के लिए। तो काफी ज्यादा लेट हो चुके हैं आशीष भाई, है ना, चुके हैं मतलब। हाँ रुक रुक के आए, ये बात भी इतना लेट भी नहीं हुई कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, मतलब ये है कि हम थोड़ा रुक रुक के आए यहाँ पे, लेकिन एंजॉय करते हुए मतलब आराम से अपना खा पी के अच्छे से आए हैं। सुबह और मजा आएगा, सुबह सुबह सबको दिखता है ना, बहुत ज्यादा आनंद आ रहा है अभी। और मैं ये आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ कि यहाँ का जो रास्ता है ना, थोड़ा कच्चा रास्ता है, लेकिन अच्छा गाँव की तरफ रिश्ता कह रहा हूँ, रास्ता जा रहा है। क्या हाल चाल है जी, क्या हाल चाल है? बस वही हड्डी वही हमारे खाने। अरे नमस्ते नमस्ते नमस्ते, इसको मैं ले जाऊंगी। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए यहाँ पे गांव, जिसके अंदर है आईफोन है, आईफोन भी है, लाइट तो होनी चाहिए, सब दिखता है इसमें, सब जूते अंदर है। तो यहाँ पे गाड़ी लगा दी है, चलते हैं फिर। नहीं वैदिक नहीं नहीं नहीं, अब गांव जाएंगे ना, गांव आ गए ना, आधा घंटे में यहाँ पे हो गए, सामान देखते देखते सामान खाली नहीं हुआ, लेकिन हम जा रहे हैं गाँव। चिरंजीत देख रहे, लेकिन हम नहीं पहचानते ना अभी, देखेंगे ना तब सुबह मिलेंगे। हाँ वो ससुर जी, ये रास्ते हैं हमारे कुछ गांव के, बाकी सुबह दिखाएंगे दोस्तों। के चक्कर में कहीं गिर मत जाना, मैं कर रही हूँ। तो ये एंट्री हो गई है हमारी इस घर से, और यहीं से हमारा गांव शुरू हो जाता है। तो ये देखो भाई, फिलहाल हम एंट्री करना चाह, घर पूरा चेंज हो गया, पहले आया अच्छा, पर
इस टाइप का था और अब बिल्कुल चेंज। तो ये है अंजलि का गांव यानी कि घर जो कि अभी बना है और 14 अप्रैल को यहां का गृह प्रवेश था। तो यहां पे देखो पिंक भाई भी आ रखे हैं साथ में और ये बुआ जी भी। वही नमस्ते और बढ़िया सब अंधेरा हो रखा है। हाँ ये नमस्ते जय वैदिक ये वीडियो अरे लेट कैसे कर दी। अच्छा फाइनली आप भी पहुंच गए हो। बिस्कुट दे दिया मैंने उसको। फाइनली बिस्कुट दे दिया। क्या हो बेटा गिर गया? नानी देखो नानी नानी तो ये यहाँ पे आते ही जो है ये बारात जा रही है। बारात आ रही है जा रही है घर आ गई। अच्छा घर आ दुल्हन लेके आ गए। अच्छा अच्छा लेके आ गए। अच्छा दुल्हन लेके आ गए। जल्दी आओ। तो देखो दोस्तों यहाँ पर अभी 9:30 बज रहे हैं और ये गांव में भी ऐसे खेल रहे हैं। यहाँ पे मामा के पास आओ, मामा के पास आओ, दोनों मामा के पास जाओ। भागो। गंदी है। बस दोस्तों अभी यहीं पे ऐसे चल रहा है, 9:30 बज चुके हैं। क्यों यहाँ से भाई और हमारी तैयारी ऐसी चल रही है। अभी खाना भी नहीं खाया है, थोड़ी देर में खाना खाएंगे। अभी तो सामान ही सार रहे थे, ऊपर से तीन चक्कर बहुत तो लग गए हैं। बहुत थक चुके हैं, 3 चक्कर लगे हैं हमारे ऊपर नीचे। सामान लाने में बहुत सारे सामान था, फिर हमारा सूटकेस था, तो बहुत ज्यादा थक चुके हैं फिलहाल। और बहुत नींद आ रही है, तो बस अभी हम खाना खाएंगे, उसके बाद सोएंगे, फिर ब्लॉग को मतलब हम एंड करेंगे। फिर कल का ब्लॉग दिखाएंगे कल हम क्या करने वाले हैं, कल क्या होगा, क्योंकि कल पूजा भी है, तो बड़ा मजा आएगा। बहुत बैठ लिए बाहर, अंदर चल के देखते हैं कि क्या बन रहा है। अब वैदिक चलो तो देखते हैं कि भाई क्या बन रहा है। तो बुआ जी क्या बन रहा है फिर? रॉकी प्याज, आलू प्याज सब्जी, गांव के प्याज। अच्छा अच्छा और घिया दाल, लौकी दाल, चना की दाल। हाँ घिया चना, घिया चने की दाल। इसमें फोकस किया जाए, फोकस किया जाए, वो दाल फोकस करना बहुत जरूरी है। अच्छा अरे वाह क्या बात है, फोकस खाना खाने के बाद करेंगे हम। अगर अच्छा नहीं बना सारा फोकस हट जाएगा फिर। तो चलो भाई यहाँ पे खाना बन रहा है रात के लिए। और ये देखो यहाँ पे सुधीर जी जो है सोते हुए अपने सामने कर रहे बच्चे, सोते हुए नहीं अपनी जगह लेते हुए। नाचो वैदिक नाचो नाचो तो यहाँ पे इतनी ठंड हो रही है कि शरीर को भी इनर पहनाई जा रही है। रात में ठंड हो गई और देख सकते हैं आप। हाँ और जब मैं बदलवा दी तब तो बहुत रहता है। अच्छा अच्छा और देखो यहाँ पे ना पंखे भी नहीं है, बिना पंखे की बहुत ठंड है। और एक चीज और दिखाती हूँ, यूनिक चीज आपको। चलो यूनिक चीज दिखाने चलते हैं, आ जाओ। चलो 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 चलते हैं भाई, कम दिखाने ले जा रही हूँ। चलो वैदिक चलो 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 पापा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इतना आनंद आने थे, मैं तो घर ही याद आई है ए बेला, अब मैं तो बहुत आनंद आना थे। हाँ बहुत बढ़िया। नहीं ये तो हकीकत है कि जब ऐसी चीजें देखते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। और वो चूल्हे की जो खुशबू होती है ना, वो गांव की, एक तो गांव की खुशबू, पेड़ों की, और साथ में चूल्हे की खुशबू सुन मतलब आती है ना, जो तो बहुत पॉजिटिविटी भी आती है, बहुत अच्छा लगता है साथ में। अभी छी भी चल रहे हमने इसको इनर बना दिया। देखो इतना इतना ठंडा हो रहा है कि साथ में इनर बना दिया बच्चों को। ठंड हो रही है यहाँ पे, ये तो है। तो
मैं बता दूं ये कौन कौन है। ये है मेरी बुआ दूसरे नंबर वाली, ये है मेरी बुआ चौथे नंबर वाली, और ये बुआ है पापा से छोटी, एक ही बुआ है ये है। सारे बुआ वगैरह बाकी हमारे चाचा चाची वगैरह वो भी चाचा चाची ये घर में ही है। तो सब्जी उब्जी अंदर बन रही है गैस में और रोटी यहाँ बन रही है, चूल्हे की रोटी खा रही है। वैसे दोस्तों अभी 10 बज गए हैं और वैसे तो खाना जल्दी हो जाता है लेकिन अभी आज लेट हो रहा है ना। बस दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हो गया अभी खाना, तो ये देखो ये मजा आता है ऐसे लाइन से बैठे हुए आशीष भाई, सुधीर भाई और साथ में मैं। तो बस यहाँ पे खाना स्टार्ट करते हैं और बस फिर यहाँ पे ब्लॉग को एंड करते हैं और फिर कल दिखाते हैं बहुत एक्साइटेड ब्लॉग में, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं द्वारका देवी। आशीष भाई द्वारका देवी जाएंगे कल और कल पूजा भी है तो वो भी कंटिन्यू रखेंगे कल के ब्लॉग में, तो बहुत मजा आने वाला है। अच्छा ये पिटाई है? अच्छा नहीं नहीं ये तो लग चुकी है हमारे। ये देखो इतना काम कराना पड़ रहा है सुधीर जी से लेकिन पिटाई नहीं लग रही है। और ये देखो हमने खाना खा लिया है, अब मजदूर लोगों को बर्तन में लगा दिया है। मजदूर लोग बर्तन में लग चुके हैं यहाँ पे, मेरी यारी बस वीडियो बना रहे हैं। अरे हमारा काम ही वीडियो बनाने का है, हम एक एक चीज कैप्चर करते हैं। क्या हाँ, और वहाँ वहाँ देखो वहाँ रोटियां बन रही है।